नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नियो और आपका स्वागत करता हूं ब्लॉग्स बाय नियो चैनल पे। बहुत दिन से मैं अपना चैनल पे आया नहीं हूं बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ा खराब था और आप देखे होंगे अभी मैं टोटली क्लीन शेव करके आ चुका हूं, मेरे दाढ़ी वाड़ी निकाल दिया मैंने। अभी वापस आ रहा हूँ अपने चैनल पे। मेरे दोस्त लोग मेरे से पूछ रहे थे यार क्या हो गया, आप कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे। एक्चुअली सच्ची में मेरी तबीयत बहुत ही खराब था तो उसके कारण ना कुछ कर नहीं पाया मैं बताया आपको, मेरे धान का भी प्रॉब्लम था, बीपी कुछ ज़्यादा हाई हो गया था और काम पे भी थोड़ा बहुत बिजी था मैं। अभी आ गया हूँ वापस आप लोगों के लिए, आपसे छोड़ के मैं रह भी नहीं पा रहा था। तो वापस हम लोग करेंगे अपने ऑडियो इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स, FL स्टूडियो ट्यूटोरियल्स और ऑफ कोर्स मेरा जो नॉर्मल व्लॉग्स है आज से मैं वही शुरू करने वाला हूँ। शुरू करने से पहले मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ है जो आज मैंने खरीदा है ताकि मैं आप लोगों को अच्छा क्वालिटी का व्लॉग्स दे पाऊँ। इसके बारे में बहुत सुना मैंने, कैनन पावरशॉट G7X Mark II के बारे में। ये जो है बेसिकली बहुत ही अच्छा कैमरा बताया जाता है व्लॉगिंग के लिए, तो मैंने ये लिया। तो उसके बारे में आज मैं ये ओपनिंग और टेस्ट शॉट वीडियोस दिखाऊंगा आपको। इसका माइक का भी बहुत अच्छा ये है और लो लाइट शॉट पे भी। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना Huawei Mate 10 Lite मोबाइल से। ऑफकोर्स इसका क्वालिटी अभी इतना अच्छा नहीं, इधर लाइट भी इतना अच्छा नहीं रहता अपना, तो लो लाइट पे शूटिंग बहुत ही ख़राब आता है मेरे ज़्यादातर शॉट्स पे। इवन मेरा पैनासोनिक का जो G85 है वो भी सेम है। तो कैनन इसके बारे में है, G7X के बारे में बहुत सुना मैंने, इसके बारे में बहुत रिव्यूज़ भी है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। तो देखते अभी मैं खरीद चुका हूँ ये, मुझे पड़ा ये 1800 दिरहम का दुबई में। तो इसको खोल के मैं दिखाता हूँ आपको, उसके बाद इसका टेस्ट शॉट्स भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों, पहले तो मैं फ्रंट कैमरा से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, शायद उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस और ये क्वालिटी थोड़ा कम रहेगा। अभी मैं बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो मेरा Huawei Mate 10 Lite जो फ़ोन है, इसलिए क्वालिटी इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसका पिक्सल जो है और ज़्यादा रहता है बैक फेसिंग कैमरा पे। और यह है कैनन पावरशॉट G7X Mark II, इसको मैं खोल रहा हूँ अभी और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है। मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ कि मैंने बताया आपको ये बहुत एक साल से मैं सोच रहा हूँ खरीदने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था फाइनेंसिस के कारण भी और डेफिनेटली जो हमारे जो काम थे उसमें भी मैं फंसा हुआ था, तो शूटिंग ज़्यादा हो नहीं रहा था मेरा व्लॉगिंग के लिए। और ये रहा, ये छोटा सा बॉक्स में आता है, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट बॉक्स है, कम्प्लीटली डिजिटल कैमरा ही। अब देख सकते हैं इसके अंदर जब खोलते हैं हमको मिलता है ये कुछ बुकलेट्स और वारंटी कार्ड, फिर उसके बाद है चार्जिंग का जो केबल है, पावर केबल है, ये छोटा सा चार्जर है इसमें, और इसका जो MAH है चाइनीज़ में लिखा हुआ है और आपको दिखा देता हूँ इसका जो कैपेसिटी 3.6 वोल्ट का है और 1250 mAh का है, मतलब ज़्यादा नहीं रुकेगा ये, मतलब बहुत ही छोटा बैटरी है। मेरे अंदाजे से शायद वो कुछ एक दो घंटा मैक्सिमम रुक सकता है। तो ये जो है अभी इसका चार्जर, कैनन का ज़्यादातर ऐसे ही आता है चार्जर्स, तो जितना भी मैंने कैमरा लिया कैनन का तो इसमें होता है और इसको डाला जाता है इसमें ऐसे, और उसके बाद ये केबल के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको, उसके बाद चार्ज किया जाता है। और ये रहा इसका मेन, और इसके साथ है हमारे पास एक छोटा सा रिस्ट बैंड जो भी है जो हम लोग रिस्ट में डाल सकते हैं पकड़ने के लिए। और ये रहा ये मेन चीज़ कैमरा G7X Mark II, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, बहुत अच्छा बिल्ड डिज़ाइन है इसका, ग्रिप बहुत अच्छा है और ये जूम लेंस है इसका, और इसमें एक्चुअली अपर्चर कंट्रोल भी है, शायद इसमें मैनुअल अपर्चर कंट्रोल है इसका जो बहुत ही अच्छा मतलब स्टॉप है उसमें। इसमें एक्चुअली मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया कैमरा, मेरे को लग रही है अपर्चर कंट्रोल के लिए ही है। और ये रहा इसका, ये इसका मेन खासियत है दोस्तों ये चीज़, तो व्लॉगर्स के लिए बहुत ही अच्छा है ये, तो हम अपने आप को देख सकते हैं और हम लोग शूट कर सकते हैं इसमें। और दूसरे में क्या होता था, पैनासोनिक मेरे पास जो GX85 उसमें मैं देख नहीं सकता था, उसका जो स्क्रीन है पीछे था और इतना ही होता था, उसका टिल्ट नहीं होता था। इसमें जो है टिल्ट
ऐसा भी होता है, अगर आप हाई एंड शॉट ले रहे, लो एंड शॉट ले रहे तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं तो एक्चुअली ये लिया इसके लिए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई वांट, ताकि मैं ऐसे पकड़ के मैं व्लॉगिंग कर पाऊँ। और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत कॉम्पैक्ट है, मेरे को लग रहा है GS85 से भी अच्छा ही है। पावर फंक्शन है, मेन्यू है, प्ले बटन है और डिफरेंट मोड्स भी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें इसका जो क्वालिटी है रिकॉर्डिंग करके। ओके दोस्तों, सो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैनन G7X Mark II से, और यह है पहला मेरा वीडियो जो G7X Mark II से कर रहा हूँ। इधर मैं क्या अपने आप को देख सकता हूँ, इसका जो स्क्रीन है जो कम्प्लीटली हमारे जो सेल्फी मोड पे टिल्ट कर सकता है, अभी मैं देख रहा हूँ फोकस पे। और हमेशा जब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास ये कैमरा आप लेने का इसमें है तो हमेशा फोकस पे देख के बात कीजिए, तो ऐसे आपको लगेगा कि आप हाँ व्यूअर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं स्क्रीन पे देख के बात करूँगा, आप देख सकते हैं कि क्या आप अपने आप को देख रहे हो, और वो जो इंट्रैक्शन जो रहता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट है, वो व्यूअर के साथ होता नहीं है। अभी मैं वापस फोकस पे देख रहा हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं थ्रू यूट्यूब, तो आप देख सकते हैं कि इंट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लगता है, जैसे कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो हाँ, इसका जो क्वालिटी है, अभी बताओ मैं आपको कि यार मैं आई एम रियली सरप्राइज्ड, मैं अभी तक ऐसा लो लाइट सिचुएशन पे ऐसा कैमरा कभी देखा नहीं हूँ। और अभी जो कैनन जो G7X Mark II, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है मुझे अभी भी। और ऑडियो का तो मुझे मालूम, बिकॉज अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में मैं सिस्टम में जा डाल के देखूंगा। स्टेबलाइजेशन शायद इसका ऑटो स्टेबलाइजेशन है, सब कुछ अभी ऑटो मोड पे, एवरीथिंग इवन कलर सब कुछ ऑटो मोड पे है, तो उसके हिसाब से मैं अभी रिकॉर्ड करके आपसे बात कर रहा हूँ। होपफुली मैंने जो इन्वेस्ट किया है पैसे इसके लिए, डेफिनेटली मैं आपको और भी अच्छा व्लॉग्स दे पाऊँ। आज भी मैं एक व्लॉग करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज इवेंट पर जा रहे हैं हम लोग, मित्सुबिशी का एक इवेंट है, तो उसके बारे में भी मैं कवरेज करूँगा और आपको बताऊंगा कि हम लोग फोटोग्राफी और हम लोग ये इवेंट कैसे करते हैं, और हम लोग इसको टोटली वीडियो और ऑडियो सब कुछ हम लोग कवरिंग कैसे करते हैं। वैसे ऑडियो का तो रिकॉर्डिंग नहीं, आज ज़्यादातर हमारा आज पूरा वीडियो और फोटोग्राफी शूट है, तो उसके हिसाब से हम लोग कवर करके आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, सो हम आज जा रहे हैं अटलांटिस, और हमारे साथ है मिस्टर जूलियन और अजय नेगी सर, डीजे एजैक्स इन द हाउस। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अपना कैनन G7X Mark II से। दोस्तों जैसे मैंने बताया, आज हमारा एक इवेंट है अटलांटिस में, हमारा फोटो शूट है और जूलियन साहब का इवेंट है, जो वो इवेंट संभालते हैं सब कुछ। तो आपको बताया था मैंने कि ये व्लॉग करेंगे हम। अभी झटका लग गया जूलियन साहब को, क्या रडार था इधर टेंशन में हम थोड़े लेट हो गए, 5 बजे पहुँचना था, अभी ऑलरेडी 5:10 हो चुका है। अभी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ अपना अटलांटिस का। ये देखिए आपके सामने ये अटलांटिस, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप लोगों ने सुना होगा, व्हाट स्टार होटल इज दिस, फाइव स्टार, ये है 5 स्टार, बुर्ज अल अरब है जो 7 स्टार है। और ये होटल का भी बहुत बड़ा खासियत है, अटलांटिस तो आपने सुना ही होगा बहुत बहुत पुराने कहानियों में, तो उसके कॉन्सेप्ट पे बनाया गया। अभी हम लोग जा रहे हैं ये अंडर ग्राउंड टनल, इसके ऊपर से समुंदर है एक्चुअली, देयर इज सी ऑन टॉप ऑफ दिस। ये जो आपको ये जो येलो लाइट्स दिख रहा है, एक्चुअली ये नॉर्मली जो स्पीड कट करने के लिए होता है, और कभी कभी क्या ड्राइवर्स भी सो जाते हैं तो उनको जगाने के लिए भी ये वाइब्रेशन मिल जाता है उनको, तो वो भी एक चीज़ है। बहुत ही लंबा टनल है। व्हाट इज द स्पीड हियर, 50। ये देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा का यह है इधर, तो बहुत ही नहीं तो हर कोने कोने पर रडार है। और दुबई में एक रडार टिकट लग गया, मतलब 650 650 दिरहम फाइन है, मतलब हो गया 15,000 रुपये इंडिया का एक रडार पे, एक स्पीडिंग टिकट पे। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना स्ट्रिक्ट है दुबई अपने लॉ पे। ये एक क्रेसेंट्स बना हुआ है इधर अटलांटिस पे, जो पाम दुबई बताया, पाम दुबई का जो लीफ है उसको क्रेसेंट्स बोलते हैं लोग, और उधर एक एक विल्लास है।
और दोस्तों सो इधर अभी पार्टी शुरू हो चुकी है और हम लोग अभी मैं पहला फोटोशूट सेशन कर खत्म कर चुका हूँ। देखिए अभी ये रात को मैं शूट कर रहा हूँ कैनन G7X मार्क टू पे। अभी मालूम नहीं मुझे मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा नहीं आ रहा, लेकिन ये चल रहा है हमारा इवेंट पीछे। ये है मित्सुबिशी कंपनी का जो इवेंट है, उनका हर एनुअल इवेंट चलता है ये हर दिसंबर में। तो मैं थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस आपको दिखाऊंगा जो हमने शूट किया है बाद में। इधर अफ्रीकन ड्रमर्स भी है। हाँ तो दोस्तों इवेंट ख़त्म हो चुका है और मैं और अजय अभी बैठे हुए आराम कर रहे हैं। खाना वाना खा लिया बीच में। क्यों अजय, खाना कैसा था प्लान के साथ? मज़ा आ गया, awesome। यही है हमारी ज़िंदगी, तो बस ऐसे चलता है, साउंड लाइट्स और डीजे, आवाज़ पे चल रही है हमारी ज़िंदगी। तो बस खलास, आज का शो इधर ही ख़त्म। भूलिएगा मत और बताइएगा ये कैनन G7X मार्क टू का जो क्वालिटी था आज आप लोगों ने देखा होगा कि ये Thank you, dear. I'm doing my vlog. Whoa, hi. It was very nice event. Thanks to them, Studio 9. Thank you, guys. So thank you. I should look beautiful. Ah, you will. Don't worry. But I can't make you thin. Even if I'm not. तो हाँ, ये लोग उधर के जो एडमिन में काम करते हैं लोग, तो दे आर दी वंस हू बुक्ड अस। तो आज का शो ख़त्म। तो आप बताइए G7X Mark II का जो नाइट शॉट था, ये पूरे नाइट में ही हमने खींचा इसका पूरा। अफ्रीकन ड्रमर्स को देख लिया आपने, बहुत ही अच्छे परफॉर्मर्स थे वो। इधर ऐसे इवेंट्स चलता रहते हैं जैसे अपने इंडिया में भी है, तो पता नहीं अभी आवाज़ कैसे आ रहा होगा मेरा इसमें। मैंने सुना है इसका कि कैमरा का जो ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इधर बहुत तेज़ हवा भी चल रहा है अभी, लेकिन मालूम नहीं अभी मेरा आवाज़ आपको कैसे सुनाई दे रहा होगा। इसमें बाद में जब मैं एडिटिंग करूँगा तब पता चलेगा। हाँ तो दोस्तों ये है बिल्कुल अंधेरा जगह और हम लोग चल के जा रहे हैं अभी वापस हमारे गाड़ी के तरफ। और आप देख सकते हो नाइट शॉट में भी अच्छा खासा ले रहा है, शायद पता नहीं फोकस, मुझे मालूम नहीं फोकस तो मुझे दिख रहा है, इसमें फोकस हो रहा है। क्या हो गया भाई? ले रहा है अजय साहब भी शुभ शुभ बोल बे, बहुत ही गंदे विचार के लोग हैं इधर, क्या करें। हम तो शाकाहारी आदमी है, ये भाई साहब तो हाँ फोकस नहीं ले रहा भाई। ये तो दैट्स व्हाट दे सेड, दिस कैमरा फोकस इज प्रॉपरली, बिल्कुल अंधेरे में फोकस नहीं हो रहा। मैं ज़रा टच करके देखता हूँ।
हाँ पानी शुरू हो गया, अभी थोड़ा लाइट आए तो शायद फोकस कर रहा। हाँ अब फोकस हो गया, मतलब बिल्कुल अंधेरे में अभी ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ। हेलो हबीबी। यस मैम, टेल मी। आई थॉट दे गोइंग नसीमी, आई थॉट यू टेकिंग अस नसीमी टू गो एंड चिल फॉर सम टाइम। पागल हो गए, इतना काम करने का नसीमी बीच होटल जाने में। गो एंड चिल। क्या? लेट्स हैव अ बियर। क्लबिंग करना अभी इन लोगों को, क्या करें? इधर बंदे की वाट लगी पड़ी है, टांग दर्द हो रहा है। बंदे की वाट लगी पड़ी है। ये है भाई साहब, है चेन्नई से, इनको हिंदी हिंदी बराबर आता नहीं, अभी सीख रहा हमारे साथ। हमारा पास तुम्हारा पास। हाँ देखा। फाइव फिंगर्स किसकी पास? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन एक्चुअली फाइव फिंगर्स लेकिन बीप बीप। क्या करें अजय साहब, क्या हो गया, थक गए क्या? कुछ तो बोलना यार, यहाँ से कैसे थक जाएंगे? बोतल है क्या अगर? हाँ बोतल है ना। कौन सा? नहीं अपना अपना है, आधा अपना है। तो आज जाके घर पे दो पैक तो मारने ही है, आज का कोटा हो जाएगा। आज का कोटा दारू साथी है क्या? वो खाना आना तो बोल। और भाइयों और बहनों, मेरी बात ब्रदर्स एंड मेरी बात सुनो, ये देखिए अटलांटिस हमारे पीछे। वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, इससे जो हफ्ता अपना घर है। और ये देखिए, देख लिया यार उन्होंने, वो लोग इससे बड़े बड़े देख ले, ताजमहल अपने इंडिया में है कि नहीं भाई साहब? क्या बोलो अभी आप? शौचालय नहीं है ना? शौचालय सोच। अबे हाँ यार, चलो तो दोस्तों यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग आफ्टर आई केम बैक आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट, और वो लाइक बटन जो है, जो अपना बेल आइकॉन है उसको हिट करना ना भूलिए, क्योंकि अब से मैं ज़रूर डेली व्लॉग्स बनाऊंगा और ट्यूटोरियल्स दूंगा आपको। और डेफिनेटली ये जो मिक्सर है बेहरेंजर X32 का जो मिक्सर है, बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे उसका जो राउटिंग जो है, मुझे सिखाइए सर आप लोग, तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में भी मैं सिखाऊंगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। तो नमस्कार दोस्तों, अभी अलविदा थोड़ी देर के लिए, और भी व्लॉग्स बनाऊंगा मैं। अभी मैंने एक कैनन EF 50mm का लेंस भी लिया है, आज शूट चल रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको उसका पूरा डिटेल्स दूंगा। ओके दोस्तों, टेक केयर, अलविदा, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।